सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद राग गौंड चौपदे महल्ला चौथा कर पहला जे मन चित आस रखें हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किश जो जीवरत प्रभ कालिया किसे काम एक तिल ना गवाई हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहे आसमाई मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर कहूं की जय सा निःफल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसै माया मोह कुटंब सब मत तिस की आस लग जन्म गवाई
इनके किश हाथ नहीं, कहाँ करें इह बपड़े, इनका वाहिया कछ न बसाई, मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छड़ाई, जे किस आस अवर करें पर मित्री, मत तू जाने तेरा कित कम आई, एह आस पर मित्री पाओ दूजा है, किन मैं झूठ बिनस सब जाई, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब थाएं पाई, आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, किछ किसी के हथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, किछ किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज बिलावल राग आरंभ होया है, सो पहला शब्द चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का उच्चारण किया होया, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 859 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द दी विचार सत्कार योग ज्ञानी हरविंदर सिंह जी सुहाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां वडियाइयां दे मालक सतगुरु जी दा ज्योति जोत समाउण दा पावन गुरपुरब है। गुरु जी बहुता समा इस स्थान ते बंगला साहब रहे, पर ज्योति जोत समाउण तो पहला सतगुरु जी जिथे अज गुरद्वारा बाला साहब है पोगल आश्रम दे इलाके विच, ए जमुना दा किनारा सी,
सतगुरु जी उथे चले गए सन। उस अस्थान ते सतगुरु जी ने परलोक गमन किया। सो अज उस अस्थान ते अमृत वेले तो विशेष दीवान सजे हुए हैं। पावन गुरपुर मनाउन वास्ते शामा तक उथे विशेष दीवान सजनगे। सो आप जी हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कियां बख्शिशा प्राप्त करनिया। बड़ी श्रद्धा बड़े सत्कार दे नाल ए पावन पुरब मनाया जा रहा है। 9 तरीक नूं 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पवित्र प्रकाश गुरपुरब है, जो शीश कंठ साहब मनाया जाएगा। खालसे का साजना दिवस वैसाखी का पुरब ये 14 अप्रैल नूं हर साल की तरह गुरद्वारा साहब मजनू का टिल्ला विखे मनाया जाना है। हुण आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार की हाजरी भरी समूह सत संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगतां बड़े अदब अते सत्कार सहित बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी की पावन चरण शह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे सजे होयो। सतगुरु पातशाह साहब जी दे अपने निज पावन स्वरूप शब्द दे नाल सांझ पा एकाग्र चीत ते सावधान होयो। किरपालता करना, अपनी अमृतमय आसीस बख्शिश करना, पावन शब्द दी विचार बोलन दा ताण अते विचारां दा प्रवाह बख्शना। एक बार अमृत दृष्टि पा के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु पातशाह साहब जी का कोटानकोट शुकराना है जो साचे साहिब ने कृपा की है, रैन अपने प्यार ते भाणे च बतीत कराई, अमृत वेले की जाग बख्शिश करके अपने इस पावन स्थान दियां हाजरियां भरन दा सुभाग बख्शे। अज सतगुरु पातशाह साहब जी दे जो साडे तारीखी विचार हन, जिन्हां नूं असीं इतिहास जां तारीख दे नाल संबंध करदे हां, उस मुताबक 8वें पातशाह साहब जी का ज्योति ज्योत समाण दा पुरब संगतां प्यार श्रद्धा ते उत्साह नाल मना रहियां ने। 8वें पातशाह साहब जी जिन्हां की पावन चरण छोह इस पावन स्थान नूं प्राप्त होई है, बड़ा लमेरा समा इस स्थान ते सतगुरु पातशाह साहब जी ने गुजारिया। इतिहास की जी आप पुनछाण करते हो, उस सानू ये इतिहासक स्रोतों तो पता लगता है कि सतगुरु 7वें पातशाह साहब जी ने जिदा अपने वड्डे साहबजादे बाबा राम राय जी नूं दिल्ली विखे विशेष तौर पर आशीष दे के अपना प्यार दे के और ये वचन दे के कि तुहाडे रसना ते वास होगा शब्द का, जो आप बोलोगे सत होगा, दिल्ली भेजिया। दिल्ली आके बाबा राम राय जी औरंगजेब नूं मिलदे ने। इतिहास दे विच बड़ियां अचंभ कर देण वाली करामातां
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪਰਮਿੱਤਰੀ। ਆ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਕੇ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਪਰਮਿੱਤਰੀ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਚਮਕ ਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਬਣੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਆਸ ਪਰਮਿੱਤਰੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਚਿੱਤ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪੀੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿਨੇ ਦੋ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦਿਖਾਏ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਤਾ, ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਤੀ, ਜਮੁਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤ 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 ਕਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਖੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ,
ते प्रीतम जो बालक है पर सब का प्रीतम है, सब नूं प्यारा हो गया। सतगुरु हरकृष्ण साहब जी नूं गुरता गद्दी ते सुशोभित किया गया। दरअसल ये एक हुक्मी कला है, असी इतिहास नूं पढ़दे आ उहदे पक्ष अपने ढंग नाल निकलदे ने कि आ होया ते आ होया ते आ नहीं होया, ये इस तरह हो जाता तो शायद आ गल इस तरह ना बनती। ये तर्क शास्त्र है, इतिहास ते तारीख की जांच पड़ताल करन वाले पढ़ते रहेंदे ने, विचारते रहेंदे ने, पर सत है, ये हुक्म है, ये इस तरह होना सी, क्योंकि हुक्म सत वरतदा है और हुक्म ने वरतना हुंदा है, और जो होना हुंदा है वो अज नहीं, वो पहला तो शुरू हो चुका हुंदा है, समा आ के उसने प्रकट ही होना हुंदा है। हरकृष्ण साहब जी ने प्रकट ही होना है, है ते गाहक पुराने, गुरता ते सुशोभित होए, सुशोभित हो जगत विच अपनी आभा नूं बखेरे है। इत्थे गल कह देनी भी गुरु बालक है, नहीं गुरु बालक नहीं है, शरीरक तौर ते साडे दृष्टिकोण दे विच उन्हां दा सरूप बालक है, पर गुरु बजुर्ग ही है। गुरु उही है जो आद अंत तों परे है, गुरु उही है जो सदा थिर एक स्वरूप है। समा आया राम राय ने फिर अपने आप नूं उभारिया, औरंगजेब दे नाल फिर जोर लाया, फिर अपनी सांझ नूं वरतिया कि देखो तुहाडी सांझ दा खमियाजा मैनू भुगतना पिया है, मैं गद्दी तो लांभे हो गया ते गद्दी मेरे छोटे भरा नूं मिल गई। वो एक राजनीतिक परिवारिक मसला उठिया, औरंगजेब तक पहुँचा, औरंगजेब भी अंदरों चाहता सी किसी ढंग दे नाल गुरु नानक दे घर नूं नीचा दिखा लेना। ये गल सानूं समझ लेनी चाहीदी है भी जो औरंगजेबी नीति सी, जिसनों एक थां ते बाबे की ते बाबर की नीति दे नाल समझाया गया है, वो टकरा रही सन, और सरकारी तौर पर यह सदा नीति चलती रहती है भी सामने कोई भी ताकत सिर ना उठा सके, जिहड़ी भी ताकत सिर उठाउंदी नज़र आए उसनों साम दाम दंड अते भेत की नीति दे नाल नीवा दिखाया जाए। जे कीमत दे के कुछ लालच दे के वो मारे जाते होण ए तो चंगा की है, जे समझा बुझा के ही अपने अधीन कर लीए तद भी चंगा है, नहीं तो उन च फुट पा दिओ, नहीं तो दंड दे दिओ। ये चार नीतियां सदा तो राजनीति दे विच अपने सामने उभरदियां शक्तियां नूं खत्म करन वास्ते वरतियां जांदियां रहियां ने, पर चेता रखना वरतियां जांदियां रहणगियां। जब तक राजनीति रहेगी तद तक कि साम दाम दंड भेद की नीति वरती जाती रहेगी और सामने वाले इस ते शिकार होंदे रहणगे। इत्थे सावधान रहना पैंदा है कि सामने वाला की करदा है ते क्यों करदा है। उन्हें और राम राय ने औरंगजेब को पहुँच की थी, औरंगजेब की बाबत साखियों च वैसा लगता है जो असीं प्राचीन कुछ ग्रंथा नूं पढ़दे कि उदों वो गुरु घर दे नाल सीधा विरोध नहीं करता, पर चेते रखना सीधा विरोध प्रकट नहीं हो रहा पर अंदर सुलग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अंदर सुलगदा ना हो, ताइयों ते बार बार करामात देखदा है, बार बार बुलांदा है। शदापन इतिहास भी पता हो इसे दिल्ली तो कीरतपुर साहब ते हमला करन वास्ते सतगुरु सतवें पातशाह साहब ते कई बार मुहिम चलाईया गई, पर वह तो गुरु कला वरतदी सी, उन्हां चों कोई भी मुहिम अंबाला शहर नहीं टप पाई, उरां उरां ही खत्म हो जांदियां रहियां। नीतियां तो सन खराब करन दियां पर वह हुक्मी कला नहीं सी वरत रही। अजे औरंगजेब का बुलावा सतगुरु तक पहुँचाए, उन्हें वाहन वाया वरते आए, असी राम सिंह का नाँ लैने, राजा मिर्जा जय सिंह का नाँ लैने, ये साधन ने राजनीति दे, ये बादशाह दे वरते हुए वो मोहरे ने जेडे दो पासी खेलते सन, एक पासे गुरु प्रति श्रद्धा, एक पासे औरंगजेब प्रति भगती। ते चेता रखना इहो जिहा व्यक्ति कदे भी जिंदगी बहुत वड्डियां कामयाबियां नहीं लैंदा। नतीजन राजा मिर्जा जय सिंह भी बहुत वड्डियां कामयाबियां तक नहीं पहुँच सकिया, वो डोलदा ही रहा है, कदे गुरु चरणा च कदे औरंगजेब कोल, कदे गुरु चरणा च कदे औरंगजेब दे कोल।
औरंगजेब की नीति सी कि मैं गुरु हरकृष्ण साहब जी दिल्ली बुला लवा, यह भरावान करामात दिखाणगे तद भी वाहवा, जे करामात नहीं दिखाणगे तो फिर मेरे को बहाना है कि मैं मिलते नहीं, मेरे नाल टकराव हो गए। पर वो नीति चलती सी। सतगुरु हरकृष्ण साहब जी ने औरंगजेब दे मत्थे ना लगन का एक संकल्प लिया सी, क्योंकि सतगुरु सतवें पातशाह साहब जी ने भी एक संकल्प लिया सी इन्हें मत्थे नहीं लगन देना। सतगुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी ने भी उही संकल्प सी भी औरंगजेब नूं मत्थे नहीं लगन देना, ना मिलना है ना दरसा दरसा है, ना असी दर्शन करन जाना है ते ना वो साढ़े दर्शन करन वाली इत्थे आवे। ये गल बार बार सतगुरु हरकृष्ण साहब जी ने आप जिहड़े सनेहे लै के आउंदे सन उन्हां दे राही कह दिता सी। पर इतिहास एक साखी भी आउंदी है कि इसे दर ते जिथे अज सानूं बैठन दा सुभाग प्राप्त होए वाहोदाही औरंगजेब बिना दस्सिआं आया है। सेवादारा नूं खबर हुई कि बादशाह जो वक्त दा बादशाह है जिस ते मुख निकलिया है बोल सारी दुनिया नूं बदल दिंदा है आ गया। खबर आई सतगुरु कुल पातशाह साहिब जी दर ते औरंगजेब आ गए की करिए, ते परने साखी कर कहिंदे ने सुभावक बचन कीता दरवाजा बंद कर दिओ। जिस बादशाह दे आउण ते दुनिया दे दरवाजे खुलदे की होण, लोक घर खाली करके भज जांदे सन, पर वो इस दरवाजे ते आया ते सतगुरु दा बचन हो गया दरवाजा बंद कर दिओ। बंद हो गए खड़ा रहा है, पर साखियां चिकर है कि अद्धी घड़ी वो बाहर खलोता रहे है, बाहर खलोता रहे दरवाजा अंदरों बंद रहे। चेता रखना दरवाजा गुरु की मर्जी तो बिना नहीं जे खुलदा। दुनिया का ताकतवर तो व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति भी जिन्होंने अध्यात्म अगे जाके कहने अध्यात्म का दरवाजा जो अगे जाके दर्शन गुरमत विच धर्म शास्त्र पढ़े जाते हैं वो दर्शन दुनियावी ताकत दे नाल नहीं खुलदा। भावें जो सिख अपने खेतरां च गुरु दर्शन की गल करते हैं गुरु दर ताकत नाल नहीं खुलदा। औरंगजेब भी खड़ा है दरवाजा अंदरों बंद है, बाहर आवाज़ां देंदा है सनेहे देंदा है अपने खड़े होने की खबर देंदा है, पर दरवाज़ा बंद रहिंदा है। चेता रखना ये दरवाज़ा सिर्फ उन्हां लई खुलदा है जिहड़े इत्थे बेनती करदे ने दरमांदे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दी जय खोल की वार। जिहड़े दर ते मंगते बण